गुड मॉर्निंग हिमाचल। सुबह की ताजा खबरों पर नजर डालेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। मां ब्रजेश्वरी की पिंडी पर चढ़ाया मक्खन, जागरण में पहुंचे हजारों भक्त। 10+2 की वार्षिक परीक्षा की तिथियों में करो बदलाव। यहां की सड़कों से तौबा, गाड़ियां दौड़ाना तो दूर, पैदल चलना भी नहीं आसान। और अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति पर रविवार देर शाम से माता श्री ब्रजेश्वरी देवी की पिंडी पर मक्खन चढ़ना शुरू हुआ। पुजारी वर्ग द्वारा माता की पिंडी पर चढ़ाया जा रहा 21 क्विंटल देसी घी का मक्खन सोमवार सुबह करीब 4 बजे पूरी तरह से चढ़ गया। पिंडी को नींबू के साथ सजा दिया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में स्थित क्षेत्रपाल भगवान का भी मक्खन चुराने के बाद श्रृंगार किया गया। बीती शाम से शुरू हुए इस सेवा कार्य के दौरान मंदिर परिसर में विशाल जागरण का आयोजन किया गया। प्रदेश के साथ बाहरी राज्यों के कलाकारों ने मां का गुणगान किया। पूरी रात चली इस प्राचीन परंपरा में क्षेत्र के अलावा बाहरी राज्यों के हजारों भक्तों ने अपनी हाजिरी भरी। मंदिर परिसर में आयोजित विशाल जागरण के आयोजक मुंबई के भूपेश अग्रवाल ने कहा कि यह सब माता की कृपा है जो वह इस कार्य को कर पाए। आगे भी मां की इच्छा होगी तो वह सेवा करने को तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने 10+2 की वार्षिक परीक्षाओं की तिथियों में जल्द बदलाव करने का आग्रह किया है। संघ के जिला अध्यक्ष राजेश सैनी ने कहा कि तय की गई तिथियां छात्रों के हित में नहीं है। छात्रों को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ेगा। कई विषयों के पेपर में केवल एक ही दिन का अंतर है। अंग्रेजी, रसायन विज्ञान व गणित के पेपर में 2-3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस मांग पर गौर। ज्वाली क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढों की भरमार है। अनूही राजौल की सड़कों की हालत को देखकर नहीं लगता कि यहां किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य हुआ है। वाहन चालकों का तो दूर, राहगीरों का पैदल गुजरना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह तथा कृषि मंत्री चंद्र कुमार से सड़कों की सुध लेने की मांग की है। मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।